फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ पेट लाइफ। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली इन 3 पॉइंट्स को। तो क्या है ये? नंबर 1 कि एक आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए एक स्टूडेंट के लिए आफ्टर द स्कूल। नंबर 2 कि अगर आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो कैसे इसको हैंडल किया जाए। एंड नंबर 3 नाइट टाइम रिचुअल्स क्या होते हैं और आपको ये क्यों फॉलो करने चाहिए। सो विद दैट लेट्स बिगिन आवर टुडेस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अ बेटर लाइफ अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ऑल्सो इफ यू लाइक आवर वर्क प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। विद दैट नोट लेट्स बिगिन विद द वीडियो। Of the word called decision fatigue. क्या होता है ये? Decision fatigue का मतलब होता है कि जब हम पूरे दिन में इतने सारे decision ले चुके होते हैं, क्या पहनना है, क्या पढ़ना है, कब जाना है, कब उठना है, इतने सारे decision जब हम morning में ले चुके होते हैं तो by the end of the day हमारा mind इतना tired हो चुका होता है कि वो decision नहीं ले पाता है और तब जो भी उसके सामने आता है तो वो वही करता है या उसे जो भी इजी लगता है तो वो वही करता है। सो यही होता है हमारे साथ एवरी इवनिंग जब हमारे एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, फोकस लेवल डाउन हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल डाउन हो जाता है, तभी हम सबसे ज्यादा बिंज वॉच करते हैं। So let's begin with our evening routine from 5 PM to 6 PM. So 5 PM to 6 PM, either आप इस time को use कर सकते हैं for going out, playing, soaking yourself in the nature, या आप इस time पे कर सकते हैं पढ़ाई। अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे sun is too high around this time, then I would prefer that you study around this time and 6 to 7 का slot you can use for playing. Now ये वो टाइम होता है जब आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, जब आप बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ इसी टाइम पे यू मस्ट हैव जस्ट फिनिश योर ट्यूशंस और योर होमवर्क। तो आई वुड सजेस्ट कि इस टाइम पे आप कुछ ऐसा करें जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, मतलब पढ़ाई करें इंटरेस्टिंग वे में। आई नीड टू आंसर वन ऑफ द क्वेश्चन जो मुझे बहुत बार पूछा जाता है और वो है कि जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तब हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। So let me tell you, in this era of Netflix, we are trying to study in the most monotonous and boring way possible, है ना? तो मतलब आप सोचिए कि distraction has evolved, मतलब पहले distraction का मतलब होता था टी, उसके बाद हुआ इंटरनेट, उससे भी फास्ट पेस में सोशल मीडिया, but studies करने का तरीका has always been the same. तो जब तक हम अपने स्टडी करने के तरीके को, लर्निंग करने के तरीके को इंटरेस्टिंग नहीं बना देंगे तब तक हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते रहेंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम अपने स्टडीज को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं? सो आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू दिस ऐप विच यू कैन यूज टू मेक योर स्टडीज इंटरेस्टिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऐप कॉल्ड ट्यूटरिंग। नाउ व्हाई दिस ऐप? क्योंकि इस ऐप में जो कंटेंट है दैट इज गिवन इन 2D और 3D फॉर्म, तो उस वजह से कंटेंट को कंज्यूम करना बहुत आसान हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको मैथ्स एंड साइंस पढ़ना है तो द मोस्ट इंटरेस्टिंग वे इज टू गो टू ट्यूटरिंग एंड स्टार्ट स्टडिंग योर कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम देयर। नॉट ओनली दिस, ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे एंड ऑल्सो अगर आपको कोई डाउट हो सो यू कैन आस्क द डाउट्स एंड द टीचर्स विल गेट बैक टू यू विद इन 1 आवर। सो ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर, इफ यू हैव डाउट्स इन मैथ्स और साइंस जस्ट डाउनलोड दिस ऐप कॉल्ड ट्यूटरिंग। ये तो हुई डाउट सॉल्विंग की बात, अब हम इसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज कि अब हमारे इवनिंग रूटीन में और क्या क्या होना चाहिए। नाउ फ्रॉम 6 to 7 हम करेंगे एक्सरसाइज और गोइंग आउट इन द नेचर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी रात की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। सो मेक श्योर दैट यू गेट सम फ्रेश एयर। नाउ
सो 7 to 8 का टाइम आप यूज करेंगे फॉर अर्ली डिनर एंड ऑल्सो टू प्लान फॉर द नेक्स्ट डे. From 8 to 9, this is the time to unwind or relax. Do something interesting that you want to do. Family ke saath time spend kariye, kuch interesting kariye. 9 to 10 p.m. is the golden period. So don't waste this time. Is time pe jo bhi aapne pure din mein padhai kari hai, usse revise karna bahut zyada important hai. To aap usse revise kariye is time period mein. And then, my friends, either at 10 or 10:30 or maximum 11, go off to sleep. ये तो बात हुई टाइम टेबल की, पर अब बात करते हैं रिचुअल्स की. रिचुअल्स होती हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतें जिन्हें आप अपने रूटीन के अंदर अगर फिक्स कर लेते हैं, उससे आपकी परफॉर्मेंस 10 टाइम्स बेटर हो जाती है. तो ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए नाइट रूटीन में? नंबर वन इज अनवाइंडिंग योरसेल्फ. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हम पूरे दिन की एंजाइटी या प्रेशर को फील कर रहे हैं उसे हम अपने माइंड से निकालें और फिर सोएं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट नाइट तक काम कर रहे हैं और काम फिनिश होते ही यू गो ऑफ टू स्लीप, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं होगी. पर अगर आप बीच में अपने आप को पॉज देंगे अनवाइंड करने के लिए, मतलब आपने अपना काम फिनिश किया उसके बाद आपने मे बी फॉर 15 मिनट्स यू लिसन टू अ गुड म्यूजिक, गुड लाइट म्यूजिक, मेडिटेशन म्यूजिक, आपने चैंट करे मंत्रास और एनीथिंग दैट विल मेक यू फील गुड. व्हेन यू गिव दिस पॉज ऑफ 15 मिनट्स बिफोर यू स्लीप, दैट विल अनवाइंड यू. और ऐसा करने से आपकी नींद की क्वालिटी बहुत बेटर हो जाएगी, आपके थॉट्स बहुत बेटर हो जाएंगे एंड ऑल्सो आप मॉर्निंग में जब भी उठेंगे बहुत फ्रेश उठेंगे. नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 2 एंड दैट इज गेट आउट ऑफ योर ओन स्टोरी. सो हम लोग पूरा दिन अपने बारे में वरी करते रहते हैं और उन सब वरीज को लेकर रात को सो जाते हैं. और सोने के बाद होता क्या है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रॉन्गली उन वरीज पे एक्ट करता है कि वी फील कि इसी बात का डर था और ये कैसे हो गई. यू नो कैसे हुई? क्योंकि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन वरीज पे एक्ट करने दिया पूरी रात. दैट मीन्स 8 hours. तो आपको क्या करना है, आपको अपनी इन वरीज से बाहर निकलना है. कैसे निकलेंगे? इफ यू रीड अ बुक, इफ यू रीड अ फिक्शन बुक, इफ यू रीड अ सेल्फ हेल्प बुक और इफ यू रीड autobiography of some famous people, तो आपका जो mood होगा it will instantly change. From thinking about yourself only, now you will have a positive thought to sleep with. So do try it out. Now third is meditation. Meditation is very very important. मेडिटेशन करने से हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं मेलाटोनिन. और मेलाटोनिन आपको हेल्प करता है अच्छी स्लीप लाने में. सो मेक श्योर दैट यू ट्राई मेडिटेशन. ये आपके माइंड को ईज करता है और आप एंजाइटी से बाहर आ जाते, तो आप एंक्शियस फील नहीं करते जब आप सोने जा रहे हैं. पॉइंट नंबर 4 इज प्लान प्लान प्लान. मतलब एक अच्छा रिचुअल वही माना जाता है, एक अच्छा नाइट टाइम रिचुअल वही माना जाता है जिसके अंदर आप अपनी वरीज को लिख दे. तो हमारी वरी क्या होती है कि नेक्स्ट डे हमें क्या क्या चीजें करनी है. नाउ व्हेन आई से नेक्स्ट डे क्या क्या चीजें करनी है, आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क. उनको आप पेपर पे रात को सोने से पहले लिखें एंड देन गो ऑफ टू स्लीप. That ways आप अपने माइंड की सारी वरीज को पेपर पर डाल के एंड ईजी होकर आप सो पाएंगे. Now we come to the next point. Recite the affirmations. Affirmations बहुत बहुत powerful होती हैं. ये हमारी self talk होती है और जिस तरह से हम अपने आप से बात करते हैं वही हमारी reality बन जाती है. अगर हम अपने आप को बार बार नेगेटिव बोलते रहेंगे, नेगेटिव समझते रहेंगे, गिल्टी फील करते रहेंगे, तो वही हमारी रियलिटी बन जाएगी. पर अगर हम अपने आप को ऐसी अफर्मेशंस देंगे कि वी आर स्ट्रॉन्ग, व्हेन गॉड इज विद मी नथिंग कैन अफेक्ट मी, ऐसी पॉजिटिव अफर्मेशंस अगर आप अपने आप को देकर सोएंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे.
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ग्रैटिट्यूड. मतलब जब हम ग्रैटिट्यूड फील करके सोते हैं. नाउ व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कि देयर इज अबंडेंस अराउंड और हमें वो अबंडेंस फ्रीली मिली है, उसको रिकॉग्नाइज करना इज ग्रैटिट्यूड. तो अगर आप ये ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में सोएंगे, ये लिखकर सोएंगे कि आज क्या ऐसी तीन चीजें हुई जिसके लिए आई एम थैंकफुल, तो आप देखेंगे योर डे विल बी वेरी वेरी पीसफुल एंड यू विल बिकम प्रोडक्टिव द नेक्स्ट डे ऑल्सो. सो विद दैट वी कम टू एन एंड टू दिस वीडियो. सो अगर आप मैथ्स एंड साइंस की प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं, सो कंसिडर द ऐप कॉल्ड ट्यूटरिक. And if you want to download this app, I'm giving the link in the description box below. Make sure you check it out. So I'll see you in my next video. Till then, make sure you have a good night routine and rituals. Bye bye and take care.